हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक आइडियाज बाय ज्योति में। हम खा खा के हो गए हैं दाल को बोर। अब हम बनाएंगे दाल का कुछ नया तरीका। दाल से बनाएंगे हम सब्जी। अचानक से आए हैं गेस्ट जिसके लिए तैयार करनी है हमें लजीज सब्जी। ये है लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर, जो रेगुलर हर समय घर में रहता ही है। ये है सूखी लाल मिर्च, जिसको मैं गर्म पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। इसको हम ढक के रख देते हैं। और जो हमने लगभग 1 घंटे पहले लाल वाली दाल को भिगो के रखा था, अब हम इसको पीस लेंगे। मिक्सी से दरदरा पीसेंगे हम इसको, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी से पीस लिया है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा है हमने। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, हमने लाल मिर्च डाली है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा चम्मच सोडा, खाना सोडा जिसको कहते हैं। और अब हम इसको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल नहीं है आपके पास तो आप जो यूज करते हैं उसको डाल सकते हैं। तो उसी तेल से हम इस बर्तन को ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से इसे ग्रीस करें, क्योंकि अगर बर्तन अच्छे से ग्रीस होगा तो उसका पेस्ट उसमें अच्छे से निकलेगा, जितना अच्छे से ग्रीस होगा। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। उसके चारों तरफ के किनारे भी ग्रीस कर लिए और वो भी कर लिया। अब हमने इसको तेल में डाल के, इसको तेल डाल के फेंट लिया है हमने अच्छे तरीके से। और हम अब हम इसको 1 से 2 मिनट फेंटने के बाद इस बेकिंग ट्रे में डाल के इसको थोड़ा सा पानी में स्टीम दे लेंगे हम इसकी। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी दाल को इसमें भिगो दिया है। भिगो के पीस के पेस्ट बना लिया। ये लगभग 1 कटोरी दाल में हमारे 6 से 7 लोगों के लायक सब्जी बनेगी, जो कि बहुत ज़्यादा रहेगी अच्छे से। इसको थोड़ा टैप कर लेंगे हम धीरे धीरे। अब ये देखिए, मैंने कढ़ाई में पानी डाल के गर्म करने रख दी थी। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टीम करने के लिए रख दूंगी। तब तक हम इसकी ग्रेवी ज़रा तैयार कर लेते हैं फटाफट से। हमने उधर लहसुन, ये है लहसुन तैयार करके रखा था, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये है 3 प्याज, इसको मैंने पीस लेना है। ये सारी चीजें हम पीस लेंगे मिक्सी से। और अब ये वाली जो मिर्ची हमने फुला के रखी थी गर्म पानी में, इसको पीस लेंगे। इसी में मैं थोड़े से खड़े मसाले पीस लूंगी। ये इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारे गरम मसाले हैं इसमें, और वो भी खड़े वाले। आपके पास खड़ा नहीं है तो आप अपना पिसा हुआ मसाला गरम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इधर देखते हैं हम ये बन गया है कि नहीं बना है। लगभग 15 मिनट हो गए हैं मुझे रखे हुए इसको। अब मैं इसको चाकू से चेक कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसे चाकू से चेक कर रही हूँ कि कच्चा तो नहीं है ये कहीं। ये देखिए, बिल्कुल चाकू साफ निकल रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो यानी ये पक गया है। अब हम इसको इसमें से निकाल देंगे। तब तक इसको ठंडा होने रखेंगे हम इसको। और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको तवे पे सैलो फ्राई करेंगे। ये है तवा, मैंने इसको ग्रीस कर लिया है हल्के से तेल से। ये टूट गया है डालने में, कोई बात नहीं, हमें वैसे भी इसके पीसेस करने हैं। जब तक वो उधर सैलो फ्राई हो रहा है, हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ये हमने तेल डाला है इसमें, लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जैसे ही हमारा जीरा भुन जाएगा, हमने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के जो रखा था, हम उसे इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए, हमारी फ्लेम बिल्कुल तेज है, तेज फ्लेम पे हमें इस मसाले को भूनना है। ये हमारा प्याज हल्का सा भुन गया है, तो अब हम इसमें जो 2 टमाटर हमने पीस के रखे थे ना, वो डाल लेते हैं इसमें। ये सारा ही मसाला धीरे धीरे भुन जाएगा।
आपको ये सब्जी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि अगर कभी कभी पहले भी हमारी दादी नानियाँ जब हमारे यहाँ पनीर और ये सब चीज़ें नहीं आती थी, तब भी तो गेस्ट आते थे और वो कुछ ना कुछ अच्छा खिलाती थी उनको। ये देखिए जो हमने लाल मसाला पीस के रखा था ना, मिर्ची का और गरम मसाला, वो हमने पूरा डाल दिया है इसमें। इसका देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है, लाल लाल सा हो जाएगा अभी ये भुनने के बाद, तो और भी अच्छा लगेगा इसका रोगन जो होगा। ये अच्छे तरीके से भुन रहा है हमारा मसाला। इसमें हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ये हमारा मसाला भुन रहा है। अब इसे जब तक भुने जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाला। अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे ताकि ये थोड़ी सी सब्जी रिच हो जाए। इस वजह से ये देखिए कितने अच्छे से इसे भुन रहा है। ये जब आधे से ज्यादा भुन गया है मसाला, तब हमने इसमें मलाई डाली है ताकि जो उसका भी ऑयल होगा ना, वो भी अच्छे से निकले। ये देखिए हमारा वो जो हमने बेसन का वो सेक के रखा था ना, उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, और ये जो चूरा रखा है मैंने तोड़, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस और छोटे करने हैं, ताकि उसकी ना जो ग्रेवी होगी ना, उसको हम इसी से गाढ़ा करेंगे। जितने भी हमने, वैसे अगर हमारा नहीं टूटता तो भी हमें थोड़ा सा तोड़ना पड़ता उसको, तो हमने ये जो हमारे पीसेस टूट गए थे उसी को हम और छोटे टुकड़े करके तोड़ लेंगे। और इधर हमारी ग्रेवी तैयार हो ही रही है, तब तक ये हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इसके। और ये देखिए इधर हमारी ग्रेवी का मसाला भून गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ग्रेवी में। ये देखिए तेल बिल्कुल अलग हो गया है, आपको दिख रहा है। इसमें मलाई का अलग फ्लेवर आ रहा है, और जो पीस के हमने लाल मिर्च और गरम मसाला डाला था उसका फ्लेवर अलग आ रहा है। तो इनमें सारे फ्लेवर अलग अलग उड़ेंगे आपके, और जब ये मिक्स होंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। ये हमने लगभग 2 से 3 कटोरी पानी डाल दिया है। हम इसको थोड़ा बॉयल आने देंगे, और ये जो हमारा चूरा था ना उसका, केक नमकीन केक का, उसको हमने इसमें डाल दिया है ताकि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए ये अभी 10 मिनट खोलेगा ना, तभी देखिएगा इसकी कितनी अच्छी हो जाएगी। ये हम पीसेस डाल रहे हैं, पीसेस बस ऐसे ही खड़े खड़े उसमें डाल के छोड़ देने हैं आपको, क्योंकि हमारा जो ग्रेवी है वो लगभग 5 मिनट खोल चुकी है। तो अब हमें इसे ज़्यादा बॉईल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब हमें इसे ढकना है, 5 मिनट इसको गैस ऑन करके छोड़ना है, उसके बाद हमें इसे ढक देना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ना इस टाइप से अगर हम सब्जी बनाते हैं तो वो नीचे हार्ड हो जाते हैं पीसेस, तो आपके पीसेस हार्ड ना हो इसके लिए आपको 5 मिनट के बाद गैस को पक्का तरीके से बंद कर देना है और बर्तन से उसे ढक देना है। अगर आप ढक देंगे इसको तो ही सब्जी के ये सारे पीसेस जो हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया लजीज, कोई कह नहीं पाएगा कि ये दाल की सब्जी है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।